प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। देश में डेल्टा वेरिएंट के नए रूप डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा बढ़ रहा है। देश भर में कई राज्यों में 40 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु के साथ कई राज्यों में भी मामले सामने आने लगे हैं। दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट ने रूप बदलकर संक्रमण फैलाना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में इस नए वेरिएंट से मौत का पहला मामला सामने आया है। उज्जैन में महिला की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। जांच के बाद उसमें कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस पाया गया। अब तक मध्य प्रदेश में 5 संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें 3 भोपाल में और 2 उज्जैन से मिले हैं। हैरानी की बात यह है कि मध्य प्रदेश में जो मामले सामने आए हैं, उनमें से 4 संक्रमितों ने वैक्सीन ली है, 1 ने नहीं लगाई थी, जिसकी मौत हुई है। नए डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा सभी राज्यों में बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में भी अब कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस स्वरूप का पहला मामला सामने आया है। अब तक कई राज्यों से आए नए वेरिएंट के आंकड़े को पूरी तरह से इकट्ठा नहीं किया गया है। एक्सपर्ट की माने तो संक्रमण को लेकर अब और सतर्क रहने की जरूरत है। जिन राज्यों में डेल्टा प्लस संक्रमण के मामले सामने आए हैं, उनमें महाराष्ट्र में 21, मध्य प्रदेश में 6, केरल और तमिलनाडु में 3-3, कर्नाटक में 2 और पंजाब, आंध्र प्रदेश और जम्मू में 1-1 केस मिले हैं। इनमें कई राज्यों के नाम और हैं जहां संक्रमण के मामले मिले हैं, लेकिन कई राज्यों ने अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। झारखंड में अब तक डेल्टा वेरिएंट पाए गए हैं। इसके साथ साथ यहां दूसरे वेरिएंट का भी खतरा बढ़ा है। जो वेरिएंट मिले हैं उनमें कप्पा, अल्फा और दूसरे अन्य वेरिएंट शामिल हैं। यहां इसके कई मामले सामने आए हैं। देश के कई राज्यों ने अपने यहां अब तक डेल्टा वेरिएंट को लेकर जांच नहीं की है। बिहार में डेल्टा प्लस वेरिएंट की जांच के लिए 50 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए गुरुवार को भुवनेश्वर रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर लैब भेजा जाएगा। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।